और बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मंच पर उनके साथ सीएम रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा के साथ ही कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों के सपनों को पूरा किया है। आदिवासियों के हित में सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी हमारी सरकार पर काम करने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। हागा ओंडो मिसिको इगिर जीवंते जोहार अपे चिल्का मैना फया। हवा का रुख साफ बताता है कि पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाना आपने तय कर लिया है। झारखंड में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, ऐसा अभूतपूर्व उत्साह, इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद, मैं झारखंड की धरती को नमन करता हूं भाइयों। एक प्रकार से आपके सीधा नाता है, क्योंकि टाटा परिवार गुजरात से और आज भी नवसारी में उनका घर है। और जब जमशेदपुर आए तो स्वाभाविक रूप से टाटा परिवार की यादें गुजरात से जुड़ी हुई है, इसका स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, जमशेदपुर आने का मुझे अनेक बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मेरा यहां ये दूसरा कार्यक्रम है। कांग्रेस और जेएमएम के राज में यहां से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, लूट की खबरें आती थी। इन दलों के अनेक शीर्ष नेताओं पर आज भी भ्रष्टाचार के केस अदालतों में चल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक का सौदा कर दिया था। उस दौरान यहां क्या क्या खेल खेले गए, इसकी जानकारी आप सभी को है। भाइयों और बहनों, 5 वर्ष पहले तक झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी चर्चा में रहता था।